सोलो लेवलिंग अराइज, ये गेम मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट गेम है एंड जब से मेरे पास इसका अर्ली एक्सेस है तब से मैं इस गेम को खेला जा रहा हूँ एंड मैं अभी तक मैं बोर भी नहीं हुआ क्योंकि एक स्टोरी गेम है। एंड मैंने अपने पिछले उन्हें बताया था कि किस तरीके से तुम इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन यार यूट्यूब ने मेरे स्टूडियो को टेक डाउन कर दिया क्योंकि यूट्यूब का कहना ऐसा है कि मैं किसी भी थर्ड पार्टी चीज को प्रमोट नहीं कर सकता। एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ भी सही है क्योंकि ये गेम अभी तक रिलीज नहीं हुई है। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज बार कभी किसी को नहीं बोलूंगा भाई। एंड बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे इस गेम को खेलने के लिए, लेकिन यूट्यूब ने मेरी स्टोरी को रिलेट कर दिया तो अब वो लोग भी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। लेकिन यार टेंशन वाली कोई बात नहीं क्योंकि ये गेम बहुत ज्यादा जल्दी रिलीज होने वाली है। एंड वो कब रिलीज होने वाली है, ऐसी कौन कौन सी चीजें जो इस गेम में खराब है और कौन कौन सी चीजें जो फिक्स होने वाली है और इस गेम को किसने बनाया है और ये गेम आगे जाकर पॉपुलर होगी भी कि नहीं, ये सभी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर तुमने अपना मन बना लिया इस गेम को खेलने के लिए तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं हर एक इन्फॉर्मेशन इस गेम के बारे में तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आओ यार स्टार्ट करते बिना किसी बकवास के। अब देखकर मैं तुम्हें कोई भी चीजें घुमा फिरा कर नहीं बताना चाहता। बेसिकली आज से एक साल पहले इस गेम का अनाउंसमेंट हुआ था और जो सोलो लेवलिंग की मानवा है वो 2016 से ही आ गई थी और एक तरीके से कह सकते हो इस गेम को बहुत ज्यादा जल्दी बनाया गया। एंड पहले तो ये कहा जा रहा था कि गेम 2023 के एंड तक आ जाएगी, लेकिन इस गेम को आने में बहुत ज्यादा डिले कर दिया गया और अभी 2024 आ चुका है। लेकिन यार इंतजार करने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये गेम 8 मई को रिलीज होने वाली है। एंड कह सकते हो इस गेम के लिए आज से हमें ऑलमोस्ट एक महीना ही वेट करना पड़ेगा। एंड अगर तुम्हारे मन में कंफ्यूजन है कि आखिर कैसे काफी सारे लोग इसे खेल पा रहे हैं और काफी सारे लोग के पास इसका एक्सेस कैसे आया, काफी बड़ी ट्रिक तो नहीं थी लेकिन मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था तुम्हें एंड काफी सारे लोगों ने उसे देखा भी था और काफी सारे लोगों ने उसे डाउनलोड कर दिया था। एंड जिन लोगों को गेम को डाउनलोड करने के लिए कोई भी चीज समझ नहीं आ रही थी उन्हें पर्सनली मैंने कांटेक्ट करके सारी चीजें बताई। और अगर तुम्हें भी मुझे कांटेक्ट करना है तो तुम मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो एंड वहां से तुम मुझे मैसेज भी कर सकते हो। एंड अगर तुम सोच रहे हो ना कि आखिर कैसे काफी सारे लोग इसका अर्ली एक्सेस मिल गया, तो देखो जस्ट टेस्टिंग के लिए काफी सारे लोग इसका अर्ली एक्सेस मिला है एंड चाहो तो तुम्हें भी मिल सकता है, लेकिन उसको डाउनलोड करके या फिर उस टेस्टिंग वाली गेम को खेल कर कोई भी मतलब नहीं क्योंकि इस गेम के अंदर अभी काफी सारे बग्स हैं। मैं पर्सनली इस गेम को 1 वीक से खेल रहा हूँ एंड मुझे ये गेम बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मेरे पास इसका अर्ली एक्सेस है और इसलिए इसके अंदर बहुत सारे बग्स हैं एंड काफी बार ये गेम ऑटोमेटिकली स्टक हो जाती है। एंड अगर कोई भी अपडेट इस गेम के अंदर आता है तो तुम्हें बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए रहता है। काफी बार मेरे फोन के अंदर ना स्पेस भी रहा था लेकिन फिर भी ये गेम मुझे बहुत ज्यादा स्पेस मांग रही थी। ओवरऑल अभी के लिए ये गेम बहुत सारे बगों से भरी हुई है एंड काफी सारे मिस्टेक्स भी है और यही रीजन हो सकता है कि काफी सारे लोग के पास इसका अर्ली एक्सेस है। एंड देखो जब तक ये गेम ऑफिशियली आएगी ना तब तक काफी सारे बग और काफी सारी चीजें फिक्स हो जाने वाली हैं, तो उसको कोई टेंशन मत लेना एंड बस एक ही महीना बाकी है। एंड अब बात कर लेते हैं इस गेम की कंपनी के बारे में क्योंकि हम जो गेम खेलने वाले हैं वो कंपनी बहुत ज्यादा अलग है। जिस कंपनी ने सोलो लेवलिंग अराइज को बनाया है वो है नेट मार्वल। एंड देखो ये कंपनी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुई है, बहुत सारे लोग इस कंपनी को हेट करते हैं एंड मैंने इस कंपनी को एक्सप्लोर करा था, मैंने इस कंपनी की काफी सारी चीजें देखी एंड अभी तक इसने कोई भी बेटर गेम नहीं बनाई है। नेट मार्वल की अभी तक की सबसे बेस्ट गेम है मार्वल फ्यूचर फाइट्स, जो की अभी तक की इनकी सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम में से एक है जिसको अभी तक 4.2 के स्टार्स मिले हैं जो की काफी ज्यादा सही चीज है और यही एक गेम है जो इनकी काफी ज्यादा पॉपुलर है। एंड आई डोंट नो हाउ इनको सोलो लेवलिंग अराइज गेम का प्रोजेक्ट मिला था एंड मैंने जहां तक नेट मार्वल की गेम देखी है उन सभी में से सोलो लेवलिंग अराइज सबसे बेस्ट गेम है क्योंकि अगर तुम इनके सारे गेम को एक्सप्लोर करोगे तो तुम्हें वो सारे गेम इतने ज्यादा खास नहीं लगेंगे जितने सोलो लेवलिंग अराइज है। सोलो लेवलिंग अराइज इनकी ग्राफिक्स बहुत ज्यादा औसम है एंड अगर तुम सोलो लेवलिंग की मानवा को फॉलो करते हो फिर तुमने मानवा पढ़ रखी है तो ये गेम तुम्हारे लिए गेम चेंजिंग होने वाली है, ये गेम तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। एंड काफी सारे थर्ड पार्टी ऐप है जो इस गेम का अर्ली एक्सेस देते हैं एंड जो थर्ड पार्टी ऐप है ना उन पर काफी सारे लोग इसके रिव्यूज और बग्स के बारे में लिखते हैं और अगर तुम सोच रहे हो कि ये गेम आने के बाद पॉपुलर होगी कि नहीं, तो देखो मैंने काफी थर्ड पार्टी ऐप को एक्सप्लोर करा था जहाँ से तुम इसे डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर इसकी रेटिंग काफी ज्यादा थी, 10 में से 8.8 तक की रेटिंग थी। और अगर तुम सोच रहे हो ना कि गेम आने के बाद पॉपुलर होगी कि नहीं, तो देखो इसके चांस काफी ज्यादा कम है क्योंकि ये गेम एक स्टोरी गेम है एंड अगर ये गेम एक मल्टीप्लेयर गेम होती तो कुछ और बात होती। ये गेम में सिर्फ तुम एक स्टोरी को फॉलो कर सकते हो एंड दो चार चीजें और एड कर दी गई है और मानवा के अंदर तुम्हें काफी सारे मॉन्स्टर्स देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इस गेम के अंदर मानवा और एनिमी से काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स देखने के लिए मिलेंगे और जो भी कैरेक्टर्स है ना वो सभी कैरेक्टर्स इस गेम के अंदर भी है। बस फर्क यह है कि इस गेम के अंदर तुम्हें मॉन्स्टर्स और डंजन काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे और काफी चीज तो ऐसी होंगी ना जो तुमने कभी भी मानवा में नहीं देखी होंगी और पहली बार वो इस गेम के अंदर तुम्हें देखने के लिए मिलेंगी। और अगर बात आती है कि ये गेम आने के बाद पॉपुलर होगी कि नहीं, तो देखो मैंने काफी सारी थर्ड पार्टी एप्स को एक्सप्लोर करा है जहां पर ये गेम अभी फिलहाल में अवेलेबल और वहां पर इस गेम की 10 में से 8.8 की रेटिंग है जो कि एकदम सही चीज है और काफी सारे लोगों ने इसे 8.8 की रेटिंग इसलिए भी दी क्योंकि इस गेम के अंदर काफी सारे बग्स हैं और इसीलिए काफी सारे पॉइंट्स काट लिए गए हैं और इसीलिए
लिए इसे 10 में से 8.8 की रेटिंग मिली है, वो भी थर्ड पार्टी एप्स पर। और मे भी जब ये प्ले स्टोर पर ऑफिशियली आ जाएगी तब इसे काफी ज्यादा अच्छी तरीके से रेटिंग और काफी अच्छे रिव्यूज मिले, क्योंकि अभी के टाइम पर ना काफी सारे बग्स है, तो ऑफिशियली आएगी ना ये गेम तब तक तो काफी सारे बग्स फिक्स भी हो जाएंगे। एंड जहां तक मुझे लगता है ना यार, तो मैंने जहां तक जिंगो खेला है ये गेम मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। एंड कुछ चीजें हैं जो मुझे नहीं पसंद आई, लेकिन फिर भी यार ग्राफिक के हिसाब से और परफॉर्मेंस के हिसाब से गेम काफी ज्यादा सही है। आई नो कि नेट मार्वल की गेम इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सोलो लेवलिंग राइज गेम जब आएगी तब ये नेट मार्वल की सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर गेम बन जाएगी। एंड अगर तुम्हें इस गेम के रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो तुम अभी मुझे सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि ऐसी और वीडियो आने वाली है। और अगर तुम मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहते हो इस गेम के बारे में, तो देखो मैं इस गेम को ना 1 वीक से खेल रहा हूँ एंड ओवरऑल मुझे ये गेम काफी ज्यादा सही लगी। और अगर तुम मुझे कहोगे ऐसे रिव्यू देने के लिए, तो मैं इसे 5 में से 4 की रेटिंग दूंगा। एंड एक स्टार मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि इस गेम के अंदर ना सिर्फ स्टोरी है, इस गेम के अंदर कोई मल्टीप्लेयर वाला ऑप्शन नहीं है। एंड इस गेम के अंदर तुम्हें जस्ट एक स्टोरी को फॉलो करना पड़ता है, एंड स्टोरी के अलावा भी काफी सारी चीजें जैसे डंजन और काफी सारी चीजें, लेकिन तुम इसे मल्टीप्लेयर या फिर अपने किसी फ्रेंड के साथ नहीं खेल सकते, जो कि मुझे एक सही चीज नहीं लगती, क्योंकि अभी के टाइम पर जितनी भी गेम्स आती है वो मल्टीप्लेयर होती है या तो उनके अंदर एक मल्टीप्लेयर का ऑप्शन होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस गेम के अंदर मल्टीप्लेयर का कोई ऑप्शन होता तो ये गेम और भी ज्यादा बेटर होती। और अगर ऐसा कुछ होता ना यार, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पबजी और फ्री फायर से ज्यादा बेटर होती और पबजी और फ्री फायर को बीट कर देती, लेकिन यार क्या कर सकते हैं। एंड आई होप तुम्हें मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर तुम्हें कोई भी चीज अच्छी लगी तो मुझे बताना। एंड मुझसे कनेक्ट करना हो तो मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। एंड ऐसी और वीडियो चाहिए तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी और वीडियो आने वाली है। From the east to the west, we connect the dots in this world of rhymes, we tie the flow.